नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या नाम के लिए ही बचा है मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल? मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को अल्पसंख्यक समाज के विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए स्थापित किया गया था। शुरू में मंडल द्वारा अल्पसंख्यकों को व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। जरूरतमंद व्यवसायी छोटे उद्योग के लिए प्रोजेक्ट बनाकर मंडल से कर्जा भी लेते थे। इस मंडल में मुस्लिम समेत अन्य अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ा गया, लेकिन अब सरकार की ओर से मंडल को उचित निधि प्रदान नहीं किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस वजह से विगत कुछ वर्षों से इस मंडल का काम ठप सा पड़ गया है। अब मंडल की ओर से छात्रों को शैक्षणिक कर्ज देने की शुरुआत 15 अगस्त के बाद होगी। इसके लिए पूरे यवतमाल जिले से छात्र अभिभावक आएंगे, लेकिन मंडल के कार्यालय की खोज करने पर उन्हें शायद ही कार्यालय का पता मिल पाएगा। मंडल का कार्यालय दत्तात्रेय नगर यवतमाल में स्थित एक बिल्डिंग के ऊपरी माले पर खोली में है, जिसका डिजिटल बोर्ड फटकर चिथड़ा सा बन गया है। सामने के द्वार पर एक सूचना लगी है जिसमें लिखा गया है ये कार्यालय सप्ताह में सोमवार और मंगलवार को ही खुला रहेगा। मंडल के कार्यालय की यह हालत दर्शाती है कि इस मंडल के अधिकारी कितने सुस्त हैं। इस फटे हुए फलक पर कार्यालय का पता एक वीरा चौक दारवाहा रोड लिखा है। यह कार्यालय ऐसी जगह पर है जिसे तलाशना आसान नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थियों की मांग है कि वर्तमान जिले के अन्य तहसील में भी इस मंडल के कार्यालय खोले जाएं, साथ ही जिला स्तर पर यह कार्यालय यवतमाल जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित प्रशासकीय भवन में शिफ्ट किया जाए। यवतमाल से सैयद मुजीबुद्दीन, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।